हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। तो बस देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम बात करना चाहते हैं, जो मतलब कि गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, अभी तक जो बातें हो रही, जो इनसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये लोग कहाँ के रहने वाले, क्या मैटर, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले, क्या कुछ मैटर है। तो आपको बता दें, जो SDM ज्योति मौर्या है, ये वाराणसी जिला की रहने वाली हैं, और जो आलोक मौर्य, इनके हस्बैंड है, वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और ये सफाई कर्मी में फिलहाल अभी हैं। और जो भी मैटर हुआ है, वो हुआ है कि इनसे इनका किसी से अफेयर है, तो आलोक मौर्य जी ने इनसे, जो इनके हस्बैंड है, उन्होंने ये बात कही है, और यही चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा बवाल हो रहा है। फिलहाल आपको बताते हैं, थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं और स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए, जो आलोक मौर्या है, वो सफाई कर्मी में है, इनकी शादी 2010 में हुई थी, और SDM ज्योति मौर्या पढ़ना चाहती थी, तो अपना आलोक मौर्य जी ने जैसे तैसे अपना बजट बनाया, जैसे तैसे इनको प्रयागराज में पढ़ने के लिए भेजा, मीन्स एडमिशन करवाया, कोचिंग में एडमिशन करवाया, और इनकी तैयारी चल रही थी, और 2015 में इनका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। और फिलहाल इनके अभी दो बच्चे भी हैं, और इनका पोस्ट अभी ये बरेली में पोस्टेड हैं, और आलोक मौर्या जी भी फिलहाल प्रतापगढ़ जिले में हैं। और अभी जो एक जो विवाद चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो विवाद ये कि SDM ज्योति मौर्या का किसी मनीष दुबे नाम के शख्स से, जो कि पुलिस में किसी पोस्ट पे हैं, उनसे अफेयर है, और काफी दिन से चल रहा है, और रंगे हाथों आलोक मौर्या जी ने पकड़ा भी है, और इन लोगों ने इनसे जान से मारने की कोशिश की है, ये आलोक मौर्या जी का कहना है। फिलहाल अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है, जांच स्टार्ट है, हो रहा है, अभी तक तो कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन आलोक मौर्या जी का ये कहना है कि इनके साथ ये घटना घटी है। और अभी फिलहाल SDM ज्योति मौर्या ने इनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, मीन से केस दर्ज करवाया है, क्या कि मीन से घर वाले इनके, मीन से सास ससुर जो भी इनके हस्बैंड है, परेशान करते हैं, दहेज की वजह से परेशान करते हैं, मीन से दहेज नहीं मिला है, फिर जो भी चीजें हैं उसकी वजह से परेशान करते हैं। तो ये सब चीजों का केस दर्ज प्रयागराज में हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। देखिए, यहाँ पे हम बात करने आए हैं कि देखिए, अभी जो चीजें हैं, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी साबित नहीं हुआ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन दोस्तों देखिए, बहुत ही तेजी से ये न्यूज वायरल हो रहा है, और बहुत से लोगों ने, अभी मुझसे खबर आई है कि बहुत से लोगों ने अपनी पत्नी को, बहुत से लोगों ने अपनी बहू को, जो बाहर में पढ़ने के लिए भेजे थे, और अभी घर वापस बुला लिए हैं। तो देखिए, मामला सही है या गलत है पता नहीं, लेकिन जो वायरल हो रहा है, लोगों मतलब लोग उसको देख के, लोगों के अंदर ये डर बैठ गया कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, जिसकी वजह से मन से लोगों ने अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, लोगों ने अपने घर बुला लिया, करीबन 150 से 200 लोगों ने घर पे वापस बुला लिया है। बाकी और कितने लोगों ने बुलाया होगा ये तो पता ही नहीं, लेकिन ये कि अगर ये मैटर सही होता है या फिर गलत है, जो भी चीजें भी वायरल तो हो ही रहा है, लेकिन इसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है समाज पर, वो तो अभी प्रेजेंट टाइम देखने को मिल ही रहा है, और ये हमेशा के लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल बन जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, अभी तक किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है, जांच स्टार्ट है, अभी जब तक चीजें साबित नहीं हो जाती तब तक इस पर कुछ भी कहना गलत होगा। लोग बहुत सी बातें, देखिए बहुत से लोग ज्योति मौर्य, SDM ज्योति मौर्य के सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत से लोग विरोध में, बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और मतलब बहुत सारी बातें की जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए, जब तक साबित नहीं हो पाता है, जब तक साबित नहीं होता, तब तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो वाकई में बहुत ही गलत है। बेचारा सफाई कर्मी में जैसे तैसे मतलब एडजस्ट करके अपना पैसे की व्यवस्था करके अपना पढ़ाई लिखाई और यहाँ तक पहुंचा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वाकई में बहुत ही निंदनीय ये घटना है, बहुत ही मतलब गलत है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। और उनके दो बच्चे भी, फिलहाल आगे जो कुछ भी होता है अभी पता नहीं है। तो देखिए, जो पूरा मैटर था हमने आपको स्टार्टिंग से बताया, बाकी इस पर आपके क्या विचार हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी जो भी न्यूज आते हैं, जो भी खबर मिलती है, आपको सबसे पहले मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।